हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे रिवीजन के बारे में, कैसे रिवीजन करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी हैंगआउट ग्रुप में स्टूडेंट है वो पूरे देखना लेक्चर को, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है। अभी सबको नहीं बोलता हूँ पूरा देखने, सिर्फ आप लोगों को बोलता हूँ। तो देखो, एक नॉर्थ साइड में बोलते हैं कि तवे से रोटी को अगर पलटा ना जाए तो जल जाता है। बस उसी तरह अगर पेज को पलटोगे नहीं ना, ये नोटबुक है, इस नोटबुक में मान लो मैंने हिस्टो पढ़ा, जो भी है हिस्टोलॉजी है, ये MBBS में आप लोग आ करके पढ़ोगे, तो इसको रिवाइज नहीं करूँगा तो अभी रिवाइज अगर नहीं करा तो प्रॉब्लम होगा। अभी कैसे एग्ज़ाम दूंगा? अभी एग्ज़ाम में विटामिन B2 के बारे में कुछ पूछ दिया, कुछ डिजीज़ पूछ दिया या कुछ कमी पूछ दिया, वो फर्स्ट ईयर वाला चीज़, फर्स्ट सेमिस्टर वाला चीज़ नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई काम करने है, समझ में आ रहा ना, तो इसलिए पढ़ा करो और रिवाइज करो, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो इसी पे बता देता हूँ आपको, समझ में आया? तो नोटबुक को पलटा करो नहीं तो जल जाएगा। अब देखो, अब बताता हूँ रिवीजन कैसे करना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला बायो, दूसरा कैम, तीसरा फिजिक्स। बायो में 6 टॉपिक हमेशा बताते आया हूँ, ये 6 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे नोट्स पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 6 टॉपिक के भी नोट्स है, इसके बाहर भी एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन लिख देता हूँ, रिप्रो सारा काम आएगा। एक बात बता देता हूँ, सारा काम आएगा। ये जितना भी आप लोग पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो सोचते हो प्लांट है, ये क्या काम आएगा? प्लांट फिजियोलॉजी का रिस्पायरेशन और साइट्रिक एसिड साइकिल जितना भी है फोटोसिंथेसिस में, वो सारा आप लोगों को बायोकेम में पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक ना। तो सारा कुछ बायोमोलिक्यूल्स वाला चीज भी यहाँ पे आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सारा कुछ काम आएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, रिजल्ट के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ना। रिप्रो जेनेटिक्स और क्या था, रिप्रोजेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लास, मतलब यूनिट 1, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ क्या चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, यूनिट 1 ऑफ क्लास 11। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, रिप्रोजेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यूनिट 1 इकोलॉजी एंड सेल साइटोलॉजी, ठीक है। ये हो गए 6 टॉपिक, इस 6 टॉपिक को सही तरीके से कर लो, हो जाएगा। बाकी जो भी बचता है ना, कम कम क्वेश्चन आएंगे सारे, प्लांट फिजियोलॉजी दुनिया भर का चीज़ है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे बस, 6 से 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 जाएगा उससे, तो टेंशन मत लेना। केमिस्ट्री बाद में देखेंगे, इजी है, फिजिक्स पहले। पहला टॉपिक है थर्मो के साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमीटर, ये 4 देख लेना। और मेरे क्वेश्चंस पेपर जरूर एक बार देख लेना, सॉल्व करना या मत करना, एक बार पढ़ जरूर लेना क्वेश्चंस को, क्योंकि वहां पे जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन देख के गए होगे तो कुछ टेक्निक समझ में आ जाएगा, ठीक ना, माइंड काम करेगा कुछ, पर नया नवेला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते हो, समझ में आया? तो एक बार देख लेना क्वेश्चन, या IIT एडवांस में होता है ये चीज, क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं और यहाँ पे जाकर के कुछ नया क्वेश्चन पूछा जाता है, पर उसे डिराइव्ड रहता। तो यहाँ पे सारा मैक्सिमम 100% जो क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 95% या 99% न्यू रहते हैं, न्यूली फ्रेम्ड रहते हैं, वो आपको किसी बुक और कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा ना। पर वो पढ़ के जाते हैं, जो अभी बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे सॉल्व कर लोगे, कुछ भी पूछेगा सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं, सेकेंड हो गया मैग्नेटिक्स, पूरा जितना मैग्नेटिक्स का है मैग्नेटिक्स। थर्ड में मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। फोर्थ में हम लोगों का थर्मो हो गया, मैग्नेटिक्स में मॉडर्न फिजिक्स। फोर्थ में हम लोगों का ऑप्टिक्स, 4 क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ में SHM एंड वेव्स। और सिक्स्थ में देख लेना, 4-5 चैप्टर से इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन और सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतना देख लोगे ना तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ तो छूट नहीं रहा, एक बार देख लेता हूँ मैं। यहाँ से 7 क्वेश्चन, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन, मैग्नेटिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 4, SHM एंड वेव से 4 और यहाँ से न्यूटन्स 2, 3, 5, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो
5 4 9 9 प्लस 7 16 20 24 24 से 26 26 क्वेश्चन 45 में 26 हो गया, तो 50% से ज़्यादा ये आपका कंज्यूम करता, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी छूट रहा था, बोल रहा मैं कुछ छूट रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिव करंट, 5 क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से, इतना कर लोगे तो 45 में 31 क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म 100% कंफर्म है। ज़्यादा नहीं करना, फॉर्मूला करना है, अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट को पढ़ने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने लगा सकते हो, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगाना, क्लियर है। तो देखो रिवीजन बताने वाला था, तो चलो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, अब इसको रिवाइज कैसे करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी इसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक्स लगते हैं उनको सबसे पहले रिवाइज करना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए केमिस्ट्री को मैंने नहीं कुछ बताया। इसमें कोई भी मतलब ये नहीं बोल सकता ना कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कहाँ से नहीं आएगा, हर एक चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मे भी नहीं पूछे। 2018 में सॉल्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो बताओ सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है जो कि पूछना ही पूछना, पर नहीं पूछा था। वैसा हम लोग एक्सपेक्टेड रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन से, बट कुछ भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री सारा पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, और बायो में कुछ क्वेश्चंस बताना था, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ मैं करने के लिए, क्योंकि अब 1% लिंकिंग पूछ दिया था, तो आपने बोला कि कहाँ बताया, तो प्रीवियस ईयर बोलता हूँ ना करने, तो वो कर लो। जैसे जेनेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया, जेनेटिक्स ये बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखता, बहुत पुराना, समझ में 2009 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये देख लेना, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन देख लेना, और उसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 165, ये देख लो, ईयर देख लेना इसका, और खुद से जा करके सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 165 2002 का है, क्वेश्चन नंबर 166 जेनेटिक मैप देख लेना, 165 166 180 180 180, ये वाला क्वेश्चन 2003 का, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अभी पूछ रहा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। अब बता दिया मैंने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने टॉपिक कर लोगे ना बाहर से, जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे बन जाएंगे, थोड़े प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से कर लो। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट।